आज बना रहे हैं सिर्फ दो आलू के साथ, वो भी इतने सारे पापड़ बनेंगे और बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे। और देखिए कितने ट्रांसपेरेंट हैं, पतले हैं, मेरी सारी फिंगर्स भी देखिए दिखाई दे रही हैं नीचे से, बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू कर। और होली भी आ रही है और नवरात्रे भी थोड़े दिन में आने ही वाले हैं, तो आप इनको व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है साबूदाना। एक कप साबूदाना मैंने भिगो लिया था, ये 4-5 घंटे मैंने भिगोया है, पहले ही भिगो लिया था मैंने। और दो ले लेते हैं आलू। आलू को अच्छे से धोकर छील लेंगे और इनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। छोटे छोटे पीस रखेंगे, बड़े नहीं रखेंगे। तो ये काटने के बाद क्या करते हैं, इनको एकदम से डाल देंगे हम पानी में ताकि ये काले ना पड़े। ठीक है, इनको पानी में डाल देते हैं हम। ले लेते हैं पानी, हमने टोटल 6 कटोरी पानी चाहिए हमें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ले रहे हैं 5 कटोरी पानी। दो आलुओं के लिए 4 कटोरी पानी और साबूदाने के लिए 2 कटोरी पानी, तो टोटल 6 कटोरी हो गया, लेकिन फ़िलहाल हमने लिया है 5 कटोरी। अब हम ले लेते हैं साबूदाना एक ग्राइंडर में, और साथ में ही हमने जो आलू काटे थे उनको भी ले लेते हैं हम। दोनों चीज़ों को हम साथ में ही पीस लेंगे। अब जो एक कटोरी पानी हमारा बचा था वो पानी हम डाल देंगे इसमें ताकि ये अच्छे से हमारा पीस जाए, बिल्कुल बारीक पीसना चाहिए। तो ये देखिए हमने पीस लिया है। और अब जो हमने 5 कटोरी पानी लिया था उसमें हम अपने इस मिक्सचर को छान लेंगे। बिल्कुल बारीक इसीलिए पीसना है कि हमने इसको छान लेना है, थोड़ा बहुत ही बचेगा। तो ये देखिए हमने इसको छान लिया है अच्छे से, इसको छान लेंगे। और देखिए छानने के बाद ये तैयार हो गया है। अब हम इसको रखते हैं गैस पर। गैस पर रखेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, और ये देखिए कि 10-15 मिनटों में ही जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा ये अपना देखिए स्टार्च छोड़ देगा, आलू भी साबूदाना भी, और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे हम ये काम, और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए लगातार चलाते जा रहे हैं हम और ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पापड़ बनाने के लिए तैयार है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। हम एक प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट में हम थोड़ा सा ये मिक्सचर डालकर देखेंगे। और प्लेट में डालने के बाद ये ना कहीं भी फैलना नहीं चाहिए, इधर उधर जैसे लुढ़कता है ना उस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए एक ही जगह सेट है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ये एक जगह सेट है। इसका मतलब हमारा ये जो बैटर है ये पापड़ बनाने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब ये तैयार है तो इसमें हम डाल देते हैं। अब थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने, और इसमें डाल रही हूँ मैं सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक ले लेंगे और वो इसमें डालेंगे, लेकिन नमक थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक एकदम से तेज़ लगने लगता है, तो थोड़ा कम ही डालेंगे। ऊपर से मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स बहुत अच्छी लगेंगी इसमें। और इसको करते हैं मिक्स और अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए आप किस चीज़ पे बनाएंगे, या तो आप प्लास्टिक शीट पे भी बना सकते हैं, और जो मोटे वाली पॉलीथीन होती है ना उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। पतली पॉलीथीन नहीं लेंगे, इस तरीके से थोड़ी मोटी ही पॉलीथीन लेंगे, प्लास्टिक शीट पर भी बना लेंगे, लेकिन मैं आपको जो प्रेफर करूँगी वो पॉलीथीन ही करूँगी। उस पर बनाएंगे तो पापड़ जो होते हैं वो अपने आप से अलग हो जाते हैं सूखने पर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए दो आलू में ही मैंने इस छोटे छोटे पापड़ में बनाऊँगी, आप चाहें तो साइज़ में बड़े भी बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए गोल गोल छोटे छोटे पापड़ आप बना सकते हैं, ये पॉलीथीन पर बना रही हूँ मैं। और इस तरीके से अपने सारे पापड़ को रेडी कर लेंगे। तो देखिए मेरे ये पापड़ सभी तैयार हो गए हैं, मैंने बना लिए हैं। और ये आप यकीन मानिए इतने क्रिस्पी, इतने बढ़िया पापड़ बनते हैं ना, इनका टेस्ट ही अलग आता है, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो लीजिए बातों बातों में हमारे सारे पापड़ हो गए हैं तैयार, और देखिए दो ही आलू से इतने पापड़ मेरे रेडी हो गए हैं। देखिए दो आलू में रेडी हो गए हैं हमारे ये पापड़। अब इनको हम धूप में सुखा देंगे। धूप में मैंने इनको रख दिया है, और देखिए 4-5 घंटे बाद ही इन ये सूख गए हैं। ये देखिए हल्के हल्के सूख गए हैं,
और जो पॉलीथीन वाले पापड़ थे, ये देखिए पॉलीथीन वाले पापड़ अपने आप से ही अलग हो गए हैं। प्लास्टिक शीट वाले तो अलग करने पड़ेंगे, पॉलीथीन वाले देखिए अपने आप अलग हो गए हैं। इनको पलट देते हैं सबको, एक दो दिन के लिए इनको धूप दिखा लेंगे और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूख जाएंगे। तो ये देखिए पापड़ हमारे सूख चुके हैं, देखिए कितने ट्रांसपेरेंट बने हैं, कितने बारीक पतले बने हैं। इतना पतला पापड़ आप बना नहीं सकते हैं अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो। देखिए कितना बढ़िया बना है। और अब इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ मैं। तो चलिए इसके लिए तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म कर लिया है और इसमें हम बनाते हैं अपने पापड़ को, फ्राई करते हैं। तो ये देखिए फ्राई कर लिया है हमने, और दो ही आलू में आपके इतने पापड़ बन जाएंगे ना। अगर आप आधा किलो आलू के भी बनाएंगे ना पापड़, तो आपके कम से कम भी 100-200 तो आराम से बन जाएंगे अगर आप साइज़ में छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पापड़ हमारे तैयार हो जाते हैं। अब दिखा देती हूँ आपको कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए, और खाने में तो इतने टेस्टी लगते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितना कुरकुरा है और कितना क्रिस्पी। तो ज़रूर से बनाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।